बेटा लेजर के बारे में। लेजर इज अ बुक दैट कंटेन्स the summarized and classified record of all transactions it is also called as Principal Book of Account used to classify the data under different accounts. For example, started business with cash rupees 1 lakh, इसकी journal क्या होगी? Journal होगी cash account debit 1 lakh to capital account 1 lakh. Am I right? ये journal ठीक है? आपने business शुरू किया है तो what will be the journal entry? Cash account debit to capital account. क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? आगे यहाँ पर अब मुझे दो अलग अलग अकाउंट बनाने हैं, पहले बेटा समझेंगे आप एंड देन यू विल ड्रॉ. मैं फॉर्मेट आपको साथ साथ दिखा रहा हूं. देखिए इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? एक कैश और एक कैपिटल. हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व? दो है ना. तो मैंने ये दो अकाउंट बनाए हैं. ये अकाउंट का फॉर्मेट है. एक का नाम मैं दे रहा हूँ कैश अकाउंट और एक का नाम दे रहा हूँ कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, पोस्टिंग अलग अलग तरीके से होगी. यहाँ पर नाम है डेट, पर्टिकुलर्स, JF. बेटा जैसे जर्नल बनाते वक्त LF दिया था, लेजर फोलियो, वो हमें ये बता रहा था कि जर्नल की एंट्री लेजर में कहाँ जाएगी. अब लेजर बनाते वक्त हम JF दे रहे हैं, यानी ये जर्नल के कौन से पेज से आ रहे हैं? JF, जर्नल फोलियो. अमाउंट रुपीस, डेट सेम, फिर से ये हो, इतना हिस्सा हो गया बेटा डेबिट साइड और ये है, तो सेम चीजें यहां पर आएंगी. जो चीजें यहां आई हैं सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट रुपीस, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट रुपीस. दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज फॉर द ऑब्वियस रीजंस वी डू नॉट हैव टू फिल द जर्नल फोलियो राइट नाउ इन योर 11th क्लास.
आपको जर्नल फोलियो फिल नहीं करना, ठीक है? बाकी चीजें आपको जैसे जैसे दी होंगी वैसे फिल करना। अब एक रूल आप यहां पर ध्यान रखेंगे, जिस अकाउंट को आप फिल करोगे उस अकाउंट में उस अकाउंट का नाम कभी भी नहीं लिखोगे। मेरे कहने का मतलब है, अगर ये कैश अकाउंट में आप इसकी एंट्री पोस्ट करोगे तो इस पूरे में कभी कैश नहीं लिखोगे, इस पूरे अकाउंट में आप कभी कैश के नाम का जिक्र नहीं करेंगे, इस पूरे अकाउंट में आप कभी कैपिटल के नाम का जिक्र नहीं करेंगे। तो जो अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट में उस अकाउंट का नाम आप कभी भी यू विल नेवर एवर राइट, इज दैट ओके? तो यहां पर आप करेंगे क्या बेटा, ये कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैन यू सी कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट के डेबिट में आप लिखेंगे 1,00,000 रुपए, ये डेबिट वाली साइड के अमाउंट में आप नाम लिखेंगे 1,00,000 रुपए अमाउंट। ये कैश डेबिट हुई है, कोई अकाउंट देखकर भी बता देगा कि कैश आ रही है 1,00,000, क्योंकि कैश का अकाउंट डेबिट है। जब आप बेटा जर्नल में भी लिख रहे थे ना कैश अकाउंट डेबिट, तो इसी अकाउंट का नाम ले रहे थे आप तब, ये वही अकाउंट है जिसके नाम, जिसकी वजह से सबका सरनेम अकाउंट रखा गया। जब आप कह रहे थे कि कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि कैश का अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 1,00,000, लेकिन मैंने कहा कि आप यहां कैश नहीं लिख सकते, तो आप लिखेंगे इसके ऑपोजिट वाले का नाम, यहां लिखोगे आप कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों किया मैंने, मैंने यहां पर कैश ही क्यों नहीं लिख दी, क्योंकि अगर मैं कैश पे कैश लिख दूंगा कल को मुझे ये तो समझ में आएगी कि कैश आई है क्योंकि डेबिट में, मगर ये कभी नहीं समझ में आएगी कि आई कहां से है। नहीं, मुझे ये तो पता चल जाएगा कि कैश आई है बिकॉज इट इज रिटन इन द डेबिट, लेकिन ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये कैश कहां से आई है। तो उसके लिए मैं उसका ऑपोजिट वाला नाम लिख दिया। अब कोई भी अकाउंट्स का समझदार आदमी ये पता कर सकता है कि कैश में पैसा आ रहा है और कैपिटल से आ रहा है, ठीक है? अब इस सेम रूल पर मैं कैपिटल अकाउंट में एंट्री पोस्ट करूंगा, बेटा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, आई विल क्रेडिट द कैपिटल अकाउंट। नाम किसका लिखूंगा? कैश। अच्छा, एक बात और, स्कूल में कई स्कूलों में होता है, कईयों में नहीं होता है, डेबिट साइड में लिखते हैं 2 और क्रेडिट साइड में लिखते हैं 5, सो इट्स ओके, इट इज अलाउड टू नॉट टू राइट 2 और 5, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इज दिस ओके? स्टोरी इज नॉट एट ओवर, आई नीड टू टेल यू सम मोर थिंग्स अबाउट इट। एक तो अगर और जर्नल एंट्रीज आएंगी तो क्या आप हर जर्नल एंट्री के लिए नया अकाउंट खोलेंगे? नहीं। मान लीजिए एक और एंट्री आती है जर्नल की, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेट्स से 20,000। अब आपके पास कैश अकाउंट और सेल अकाउंट दो अकाउंट इन्वॉल्व है इस एंट्री में, आप ऑलरेडी किसका अकाउंट बना चुके हो, वो दोबारा नहीं बनाओगे, इसी अकाउंट में पोस्टिंग करोगे, मगर सेल अकाउंट आपको एक और बनाना पड़ेगा। अभी मैं रफली बेटा आप अपनी कॉपी में भी ये टी शेप अकाउंट बना सकते हैं, ये बनाए हैं आपने टी शेप अकाउंट, ठीक है? तो टी शेप अकाउंट में मैंने नाम लिख दिया सेल्स अकाउंट डेबिट, अंदर फॉर्मेट वही रहेगा लेकिन रफ में प्रैक्टिस करने के लिए आप टी शेप से प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने घर में कर सकते हो आप ये काम। लेकिन पहला क्वेश्चन जो करोगे आज मैं होमवर्क दूंगा उसमें आप सारे अकाउंट प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाए, सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आप बिना अकाउंट फॉर्मेट के टी शेप से भी चल सकते हो, ठीक? अब इसकी पोस्टिंग क्या होगी बेटा? कैश डेबिट होगा, एम आई राइट? नाम किसका आएगा? टू सेल्स, और सेल्स क्रेडिट होगा 20,000 रुपए, नाम किसका आएगा? बाय कैश। इज दैट ओके? एक और एग्जांपल, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां पर एक और अकाउंट बनेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट
एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी बेटा? परचेज डेबिट हो जाएगा, एम आई राइट? परचेज डेबिट होगा टू कैश 10,000 और कैश क्रेडिट होगी बाय परचेजेस 10,000। यानी कि जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करिए, नाम लिखिए क्रेडिट वाले का, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट करिए और नाम लिखिए डेबिट वाले का। ये हो गई एक बार। अब लास्ट स्टेप है इसका लेजर पोस्टिंग का, बस यही है बेटा। जितनी भी एंट्रीज आएंगी बस आपने ऐसे ही करना, जितनी भी एंट्रीज आएंगी रूल भाई, जो कॉम्प्लेक्स एंट्री आएगी तो मैं आपको समझाऊंगा कि तीन जिसमें आएंगी, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू पर सेल्स अकाउंट, तब उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग आप ऐसे ही करेंगे। अब अकाउंट को क्लोज कैसे करना है, ये अकाउंट खुला तो नहीं छोड़ सकते, हमने ये किया किस लिए, क्लासीफाई करने के लिए कि हर चीज को अलग अलग कर दिया। अब कैश अकाउंट को हमें क्लोज करना है कि इसमें कैश अकाउंट में हमारे पास कितना पैसा है, हमने क्या किया, 120,000 बड़ा है, मैंने दोनों साइड पे 120,000 लिख दिया, जो दोनों साइड में से बड़ा होगा उसको क्या करोगे, दोनों साइड लिख दो बेटा 120 इज बिगर और 10 इज बिगर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, कितने ख्यालात मिलते हैं आपके, तो 120 बिगर है तो मैंने उसको दोनों साइड लिख दिया। अब 120 में से 10 माइनस किया तो कितना बच गया, 110,000। क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, के अगली बार जब आप कैश अकाउंट खोलेंगे तब आपके कैश अकाउंट में कितना पैसा होगा, 110,000। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू ओपन द अकाउंट यू विल बी हैविंग 110,000। तो टोटल करने से पहले आपने इसको बंद करना है। एक काम लास्ट, एक फॉर्मेलिटी करके इसको, इस अकाउंट को बंद करना है। वो फॉर्मेलिटी क्या है, ये जो बैलेंस सीडी क्रेडिट में दिख रहा है इसको बंद कर दिया, अगली बार कहां से खोलोगे वहां से एक बार दिखा दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बस एक बार दिखा के ये बंद कर। मैं यही काम एक बार कैपिटल अकाउंट के साथ करके दिखाता हूं आपको। कैपिटल अकाउंट में दोनों साइड में कौन सी साइड बड़ी लग रही है, 1 lakh, इस साइड तो कुछ आई नहीं। आई विल राइट टू बैलेंस सी डी, बंद करने के लिए क्या करूंगा, सी डी कैरिड डाउन, बंद करने के लिए क्या करूंगा बेटा, कैरिड डाउन, और जब दोबारा ओपन करूंगा तो क्या करूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिस साइड से क्लोज करोगे उसके ऑपोजिट साइड से ओपन करोगे। ये अकाउंट कहां से क्लोज किया था, क्रेडिट से, कहां से ओपन किया, डेबिट से। ये अकाउंट कहां से क्लोज किया है, डेबिट से, और ओपन कहां से किया, इज दैट ओके, समझ में आ रहा है, कॉपी कर लीजिए।